हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप गांगुली और आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि आपको बूटस्ट्रैप में टॉगेबल टैब जो होता है वो कैसे क्रिएट करना है, या फिर हम कह सकते हैं डायनामिक टैब जो होता है वो आपको कैसे बनाना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको जो इससे पहले वाले वीडियो में जो मैंने आपको नैव वाले क्लास सेलेक्टर के बारे में बताया था वो आपको यहाँ पे क्रिएट करना होगा। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले यूएल टैग का यूज करेंगे, यानी कि अनऑर्डर्ड लिस्ट का। इसमें हम लोग क्लास सेलेक्टर का यूज करेंगे, वहां पर जाके हम लोग नैव लिखेंगे। उसके बाद इसमें हम लोग जो है नैव हम लोग क्रिएट करेंगे, उसमें टैब भी क्रिएट करना। तो यहाँ पे नैव टैब्स करके जो क्लास सेलेक्टर होता है उसका भी हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। उसके बाद हम लोग अपने इस वाले नेविगेशन जो ये बार टाइप का बन के आएगा, इसमें हम लोग कुछ आइटम्स ऐड करेंगे, यानी कि कुछ वेबसाइट की जो लिंक है वो ऐड करेंगे। तो इसके लिए आपको यहाँ पे एलआई टैग का सबसे पहले यूज करना है। एलआई टैग में आपको नैव आइटम करके जो क्लास सेलेक्टर होता है उसका आपको यूज करना होगा, और फिर आपको एलआई टैग के अंदर ए टैग का यूज करके एक वेबसाइट का लिंक देना होगा। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले एचआरएफ लिखेंगे, और क्योंकि हमें किसी भी वेबसाइट पर जो जाना नहीं है तो हम लोग हैश वाला सिंबल लगा देंगे। और उसके बाद यहाँ पर जो है हम लोग सबसे पहले एक क्लास सेलेक्टर का यूज करेंगे, जो कि आपका नैव लिंक वाला क्लास सेलेक्टर होता है, जो कि आपको इस नैव वाले क्लास सेलेक्टर के साथ यूज करना होता है। और यहाँ पर जाके हम लोगों ने जैसे MySQL लिख दिया। उसके बाद हम लोग इसी जो कोड यहाँ पे हम लोगों ने ये बनाया लिस्ट, इसको हम लोग दो तीन बार जो कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर जो है तीन बार जो है ये वाला आइटम को यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लिया। अब मैं यहाँ पर जाके वैल्यूज को चेंज कर देता हूँ। अगर आपको टॉगेबल जो टैब है या फिर आपका जो डायनामिक टैब है अगर आपको वो क्रिएट करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, जो आप लिंक्स लगा रहे उनमें आपको डेटा टॉगल करके एक एट्रीब्यूट होता है उसका यूज करना होगा, और उसके अंदर आपको टैब लिखना होगा। उसके बाद इसी एट्रीब्यूट को हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, बाकी के लिंक्स में भी जाके ऐड कर देते हैं। ये मैंने ऐड कर दिया, ये मैंने यहाँ पर भी ऐड कर दिया। उसके बाद जब ये आप यहाँ पर इस तरीके से अनऑर्डर्ड लिस्ट बना लेंगे, इसके नीचे आपको आना है, यहाँ पर आपको डिव टैग क्रिएट करना होगा, जिसमें आपको टैब कंटेंट करके जो है आपको क्लास सेलेक्टर का यूज करना है। इसके अंदर जाके आपको फिर से कुछ डिव टैग का यूज करना होगा, और इसमें आपको एक क्लास सेलेक्टर का यूज करना होगा जिसे हम लोग टैब पेन कहते हैं। और उसके बाद आपको इस डिव टैग में एक आईडी सेलेक्टर बनाना होगा। तो उसके लिए आपको आईडी लिखना है, इक्वल टू लगाना है, और यहाँ पे आप जो आईडी सेलेक्टर लिखेंगे उसका हम लोग यूज यहाँ पर इन लिंक में जो एचआरएफ लिखा हुआ वहां पर हम लोग यूज करेंगे। तो मैंने जैसे यहाँ पर पहले वाले के लिए आईडी सेलेक्टर क्रिएट किया MySQL। उसके बाद इस डिव टैग के अंदर जो भी आप कंटेंट लिखना चाहते हैं, HTML का जो भी कोड, वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक पैराग्राफ लिख दिया। जैसे उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि इसी को जो है यहां से कॉपी करते हैं, और हम लोगों ने कितने लिंक क्रिएट किए, टोटल चार लिंक है, तो तीन बार और हम जो है टैब पेन इस तरीके से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। यहां पर जाके आईडी सेलेक्टर आपको चेंज करना होगा। दूसरा वाला लिंक कौन सा था, PHP वाला था, तो हम लोग यहाँ PHP लिख लेंगे। उसके बाद एंड्रॉयड वाला है, तो हम लोग यहाँ पर जाके एंड्रॉयड लिख लेंगे। फिर हमारे पास बूटस्ट्रैप वाला है, तो हम लोग यहाँ पे बूटस्ट्रैप लिख लेंगे। ये मैंने लिख लिया, यहां पर जाके मैं वैल्यूज को जो है चेंज कर दूंगा। तो ये जो है मैंने टैब कंटेंट वाले के अंदर जो मैंने ये कुछ जो है ऑप्शंस मैंने क्रिएट कर लिए, और उनमें जो है आईडी सेलेक्टर मैंने यहाँ पे बना लिया। अब इन आईडी सेलेक्टर्स को आपको अपने यहाँ पर लिखना है, जैसे कि यहाँ पे MySQL है, तो उसके साथ हम लोग यहाँ पे MySQL लिख देंगे। कंट्रोल पर सर्च दबा के आपको फाइल को सेव कर देना है, और आपका जो ये टॉगेबल टैब बनाने का जो काम था वो अब आपका कंप्लीट हो चुका है। एक बात आपको ध्यान रखना है कि जितने भी आप आईडी सेलेक्टर बना रहे हो सबके सब यूनिक होने चाहिए, यानी कि एक दूसरे से उनका कोई मैच नहीं होना चाहिए। अब हम लोग अपने इस प्रोग्राम को रन करेंगे, और रन करने के लिए आपको अपने प्रोग्राम के ऊपर राइट क्लिक करना है और रन फाइल पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने इस तरीके से बन के आएगा। जैसे ही आप अपने एक यहाँ पे लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे कि ये देखिए अलग अलग जो यहाँ पे नीचे टेक्स्ट बदल रहा है, और यही जो है आपका डायनामिक टैब होता है। और इसके अंदर हम लोग कुछ और चीजें भी देख लेते हैं, जैसे कि अगर आप पेज को फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर कोई भी कंटेंट लिख के नहीं आ रहा। अगर आप ऐसा चाहते हैं जैसे कि इसमें से कोई टैब पर अगर आप क्लिक करें तो उसके अंदर का कंटेंट पेज के ओपन होने पर लिख कर आए, तो आपको ये जो लिंक आपने जहां पे इस लिंक के लिए जो आपने टैब पेन आपने जहां पे क्रिएट किया उसमें आपको एक्टिव करके क्लास सेलेक्टर तो आपको उसका यूज करना है। तो हम लोग यहाँ पर जाएंगे, हमें एंड्रॉयड वाला जो टैब था वो हमें देखना था जब पेज ओपन हो गया है, तो यहाँ पर जाके हम लोग एक्टिव वाला जो क्लास सेलेक्टर है उसका हम लोग यूज कर लेंगे। कंट्रोल पर सर्च दबा के फाइल को सेव करिए, वेब ब्राउजर पे जाइए, पेज को रिफ्रेश करिए, तो आप देखेंगे कि फर्स्ट टाइम जब पेज ओपन होकर आएगा तो आपका ये वाला जो टैब है उसके अंदर जो चीज मौजूद है आपको यहाँ पे दिखाई देगी। उसके बाद आप यहाँ पर एक चीज देख रहे होंगे कि जब हम लोग यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं तो ये डायरेक्ट जो है चेंज हो रहा है। अगर आप उसमें फेडिंग इफेक्ट चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है,
आपको अपने कोर में वापस जाना है, जहां पे आपने टैब पेन बनाया वहां पे जाके आपको फेड लिख देना है। तो हम लोग यहां पर फेड लिख देंगे, यहां पर भी फेड लिख देंगे, और जो था यहां पर भी हम लोग फेड लिख देते हैं, एक्टिव वाले में जो हम लोग फेड नहीं लिख रहे। और उसके बाद आपको अपने जो है वेब ब्राउजर पर वापस जाना है, पेज को रिफ्रेश करिए, तो आप देखिएगा आपको एक फेडिंग इफेक्ट आपको यहाँ पे दिखाई देगा। अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर जो ये कंटेनर हम लोगों ने बनाया है, इसका हम लोग थोड़ा सा विड्थ छोटा कर लेते हैं और इसको जो थोड़ा ऊपर से नीचे की तरफ ले आते हैं, इस टैब डायनेमिक टैब को। तो ये करने के लिए आपको क्या करना है, कोड में वापस जाइए और जहां पर आपने अपना कंटेनर बनाया इसमें आपको स्टाइल वाला एट्रीब्यूट लिखना है। यहाँ पर जाके हम लोग विड्थ को जो चेंज कर देते हैं, तो मैंने यहाँ पे इसे 500 पिक्सल दे दिया और जो मार्जिन था वो मैंने ऊपर की तरफ से यानी कि टॉप से ऐड कर दिया, तो मैंने ऐसे 150 पिक्सल का मार्जिन दे दिया। वेब ब्राउजर पर वापस जाएंगे, पेज को रिफ्रेश करेंगे और ये देखिए अब जो है आपका नीचे की तरफ आ गया। जिस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर जो डायनामिक टैब क्रिएट किया उसी तरीके से आप डायनामिक फिल भी बना सकते हैं। तो वो बनाने के लिए आपको क्या करना है, आपको अपने कोड में वापस जाना है और जहां पर आपने सबसे पहले ऊपर की तरफ जो यहाँ पे नैव माइनस टैब्स लिखा यहाँ पर आपको फिल्स लिख देना है और यहाँ पे डेटा टॉगल में आपको टैब की जगह पर पिल लिख देना है। मैंने यहाँ पे पिल लिख दिया, इसी को जो मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, सारी जगह पर मैं जाके चेंज कर दूंगा। उसके बाद कंट्रोल प्लस एस दबा के फाइल को सेव करिए, वेब ब्राउजर पर वापस आइए, पेज को रिफ्रेश करिए, अब देखेगा आपका डायनामिक पिल वाला जो है आपका ये चीज क्रिएट हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है आपको डायनामिक टैब और डायनामिक पिल क्रिएट करना है। अब अगर आपका इस वीडियो से कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछेगा और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, जिससे कि सारे फ्यूचर अपडेट्स आप तक पहुंचते रहे। और ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।